उदाहरण 5, बहुपद 9x2 -3x -7 में से 4x2 -3x 2 को घटाइए। बहुपद 9x2 -3x 7 में से हम 4x2 -3x 2 को घटाएंगे। चूंकि हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटा रहे हैं, इसीलिए दूसरे बहुपद का चिन्ह परिवर्तित होगा। यहाँ दूसरा बहुपद -4 का चिन्ह परिवर्तित होके ऋण बनेगा, -3 जो है -3 होगा और -2 -2 हो जाएगा। अब हम 9x के वर्ग में -4x का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ गुणांक 9-4 को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और x का वर्ग चरांक जो है वो कोष्टक के बाहर होगा। इसी प्रकार हम -3 गुणांक को कोष्टक के अंदर लिखेंगे एवं इसका गुणांक, इसका चरांक x जो है कोष्टक के बाहर होगा। -7-2 को हम एक कोष्टक में लिखेंगे बराबर 9-4=5 x2 -3-3 -6 x 7-2 -5। अब 5x2 -6x 5 यह हमारा हल होगा।